शांति। इस सप्ताह हम अपने अंतर मन की यात्रा पर चले। हमारे अंदर भी एक दुनिया है जिसकी सैर करने पर ढेर सारी प्राप्तियां व शांति आनंद का खजाना हमारे हाथ लग जाएगा। बहुत भगाया इस मन ने हम इंद्रियों के पीछे सुख ढूंढ कर, आंखों द्वारा शरीर की सुंदरता, वस्त्रों की सजावट, श्रृंगार, फिल्म, सिनेमा इत्यादि में मजा लेना, कानों द्वारा इसकी उसकी व्यर्थ चर्चा करना, जीभ द्वारा स्वाद रस के पीछे भागना, मुख से गपशप, व्यर्थ की निंदा वार्तालाप में अपना अनमोल जीवन गंवाना, और भागते भागते स्वयं मन थक चुका है, क्योंकि मन की चाहत है शांति, और इतना इंद्रियों व दैहिक वस्तुओं के पीछे भागकर भी शांति नहीं मिली। अब मन को अंतर्मुखता की गुफा में ले चलते हैं। इस शरीर की व इन इंद्रियों की मालिक हूं मैं। मुझमें शांति सुख का खजाना छुपा है। ये बाहर की सुख तो तुच्छ है उस खजाने के सामने। बस एक बार हमें उसका स्वाद लग जाए तो अपने आप बाहर की दौड़ कम होती जाएगी। जब कभी घर देखें तो याद करें, मेरा घर तो परम धाम है। जब कार को देखें तो याद करें, ये शरीर भी एक कार है और मैं इसका ड्राइवर हूँ। रिश्तों व संबंधों में जब आए तो याद करें कि मेरे माता पिता तो निराकारी शिव है और हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक ही परिवार। जब फूलों को देखें तो याद करें कि हमें भी हमारे पिता फूल की तरह खुशबूदार व सुंदर बना रहे हैं। बाहर की हर वस्तु को देखकर अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी उससे जोड़ दें। जब पंछी को आकाश में उड़ता देखें तो सोचें, मैं आत्मा भी सारे बंधनों से मुक्त इसी तरह आकाश में उड़ता फरिश्ता हूँ। जब खाना खाएं तो जैसे चरवाहा गाय को चारा खिलाता है, वैसे ही मैं भी इस शरीर को भोजन खिलाती हूँ। जिस प्रकार स्टेज पर बोलने के लिए माइक का यूज किया जाता है, उसी प्रकार मैं इस मुख रूपी माइक को यूज करती हूँ व दूसरों तक अपनी आवाज पहुंचाती हूँ। जिस प्रकार कैमरे द्वारा फोटोज खींचे जाते हैं, उसी प्रकार इन आंखों रूपी कैमरे द्वारा मैं फोटोज इकट्ठे करती हूँ। जैसे मशीन सामान उठाती है, वैसे ही इन हाथों द्वारा हम सामान उठाते हैं। जैसे साइकिल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं, उसी प्रकार मेरे पैर भी यहाँ से वहां जाने का एक इंस्ट्रूमेंट है। इस तरह रोज अभ्यास करें। इस अभ्यास से हम जल्द ही साक्षी दृष्टा की स्टेज का अनुभव करेंगे। ओम शांति।